नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। आज हम लोग बात करेंगे इस बारे में कि एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च शोध इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का आया है, भारतीय चिकित्सकीय अनुसंधान परिषद कि भारत देश में करीब आधे से ज़्यादा जो वयस्क लोग हैं वो जितनी ज़रूरत है उससे बहुत कम शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी रहती है, शारीरिक गतिविधियाँ करते हैं, व्यायाम या कोई भी शारीरिक श्रम या गतिविधि में इंगेज होते हैं जितनी पर्याप्त ज़रूरी है उनकी उम्र और उनकी जो कंडीशन है उसको देखते हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि शारीरिक गतिविधियाँ, शारीरिक चाहे वो व्यायाम हो या आप आम जीवन में शारीरिक गतिविधियाँ ऐसी हो जिसमें श्रम हो रहा हो, जितनी पर्याप्त है उम्र और आपकी स्थिति, शारीरिक स्थिति देखते हुए वो ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। और हृदय रोग जो दुनिया का सबसे बड़ा मृत्यु का कारण है, उच्च रक्तचाप और मधुमेह, डायबिटीज़, कई सारे जो दीर्घकालिक श्वास संबंधी रोग हैं उनको होने का भी खतरा कम करती है। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए और हर तरीके से बहुत ज़रूरी चीज़ है कि शारीरिक व्यायाम या शारीरिक गतिविधियाँ पर्याप्त जीवन में रहें। तो करीब पाया गया कि तो इस स्टडी ने करीब 12,000 लोगों के ऊपर स्टडी हुई, 300 से ऊपर म्यूनिसपैलिटी के वार्ड्स के से ये लोग थे पूरे देश में, और करीब 300 गाँव के भी लोग थे। उन्होंने पाया कि गाँव में करीब 36% लोग कम शारीरिक गतिविधियां करते हैं। अगर आप शहरी लोगों से तुलना करें, शहरी लोगों में करीब 60% के आसपास था और ग्रामीण में 36 के आसपास था। जाहिर सी बात है कि ग्रामीण में क्षेत्र में लोग ज़्यादा मेहनत और श्रम करते हैं और पूरे देश में अगर आप जनरली देखें तो वो एक करीब 41%, तो 41% रहा और 52% रहा। अगर आप शहरी वयस्क लोगों को देखें तो उनमें वो कम गतिविधि करते हैं। तो ये उन्होंने इस बात की भी तुलना करी कि सरकार कितना खर्च करती, तो 31 अरब डॉलर का खर्चा है कम से कम सरकार का, सरकार का, आपकी जेब से नहीं, आपकी जेब से तो होता ही है जब कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज़ या और अन्य बीमारियां होती हैं, लेकिन सरकार का भी खर्च होता है। तो वो एक 31 बिलियन US डॉलर्स का खर्चा अनुमानित है जो सरकार की तरफ से होता है। याद रहे ये बहुत सी बीमारियां, बहुत से जानलेवा रोग से बचाव मुमकिन है, जिनमें हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, कैंसर, डायबिटीज़, मधुमेह और ये हो गया, और डायबिटीज़ और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस जैसे दीर्घकालिक श्वास संबंधी रोग आदि सब शामिल हैं। और शारीरिक गतिविधियाँ करना एक इम्पॉर्टेंट तरीका है कि आप अपना ख़तरा कम करते हैं कि जिससे हमें ये रोग ना हो। तमाम प्रकार के कैंसर भी इनमें शामिल हैं जिनका ख़तरा कम होता है। तो ज़रूर हम सब लोग अपने जीवन में जीवन शैली बदलें कि हम लोग पर्याप्त शारीरिक गतिविधियां कर रहे हों, शारीरिक व्यायाम हो या अपने जीवन में ही हम लोग गतिविधियां कर रहे हों, पैदल चल रहे हों, तेज़ पैदल चल रहे हों, दौड़ रहे हों, साइकिल से जा रहे हों, जीने से जा रहे हों, बैठ के कुछ कर रहे हों अगर चल नहीं सकते, तो वो हम लोग अपने अपने जीवन में देखें कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर करें रोज़ाना जितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए। और इसी बात के साथ मैं आज का CNS दृष्टिकोण यहीं पर ख़त्म करता हूँ। कल हम लोग फिर आपके साथ रूबरू होंगे किसी और बात के साथ जिसने भी सोचने पर विवश किया। तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बाय बाय, मिलते हैं कल शाम 5 बजे।